मंदसौर कृषि उपज मंडी में मूंगफली की फसल बिक्री शुरू होने पर किसानों को बहुत खुशी हुई और किसान मूंगफली मंदसौर कृषि उपज मंडी बिक्री के लिए लेकर भी आए, लेकिन कई किसान मूंगफली के भाव को लेकर काफ़ी नाराज हुए। बता दें कि अब किसानों की परेशानी थमने का नाम ही नहीं ले रही। मंदसौर जिले में लगातार 30 वर्षों से अधिक समय से सोयाबीन की बंपर पैदावार होने से सोयाबीन के उचित भाव भी नहीं मिलने से परेशान किसानों ने यहां मूंगफली की फसल की ओर रुख किया। किसान की कड़ी मेहनत के बाद मूंगफली की बंपर पैदावार भी हुई, लेकिन मंडियों में मूंगफली के भी उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। इस मौके पर किसान अपनी उपज सोयाबीन और मूंगफली मंदसौर मंडी में मूंगफली 2000 बोरी से अधिक मूंगफली की आवक होने से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से भाव कम हो गया, जिसके कारण कई किसानों ने अपने माल का विक्रय नहीं किया। मंदसौर सोयाबीन उत्पादन का बेल्ट माना जाता है, लेकिन अब सोयाबीन की फसल का उत्पादन भी बहुत कम हो गया। दूसरी ओर मंडियों में सोयाबीन की फसल के उचित दाम नहीं मिलने से किसानों ने मूंगफली की फसल की ओर रुख किया। लिहाजा खासकर मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में करीब 20 से 30% एरिया में लोगों ने मूंगफली की फसल लगाई थी और वर्षा भी अनुकूल हुई, जिस कारण मूंगफली की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के साथ ही मूंगफली के दाम भी औंधे मुंह गिर गए हैं। मंदसौर मंडी में मूंगफली 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी जा रही थी, जब दोपहर बाद भाव घटकर 3500 रुपये तक ही रह गया। मंडी में माल बेचने आए किसान लक्ष्मण लाल और उदय सिंह ने बताया कि उनका माल 2500 रुपये प्रति क्विंटल और 3700 प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदा गया। इस भाव में उन्हें फसल की लागत भी नहीं मिल रही थी। इस माल को अब कल दोबारा नीमच कृषि मंडी में लेकर जाएंगे। किसानों ने सरकार से मूंगफली के समर्थन मूल्य के दाम करीब 6000 प्रति क्विंटल करने की मांग की है। उधर व्यापारियों ने मूंगफली के कम दामों में बिकने की बात से इनकार करते हुए कहा कि कई किसानों की उपज मूंगफली की हल्की क्वालिटी बताई, साथ ही किसानों से माल को साफ सुथरा कर ही मंडी में लाने की बात कही। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। मूंगफली लेके आए थे साहब, ये मूंगफली भी भाव भी लेट आया, 3 बजे 3:30 बजे आया लीला, तो 2500 से 2600 3700 3800 तक बिकी, तो फिर हमें साफ करवाने हैं तो बेची नहीं सर। नहीं बेची क्यों? भाव कम लग रहा है साहब के, घाटा बढ़ रहा है, हमने लगाया है वही नहीं मिल रहा है। पहले सोयाबीन भी अगले इस साल तो कम हुई पैदावार, सोयाबीन का ही भाव नहीं है, तो सोयाबीन नहीं बोए तो चलो मूंगफली बोए, तो मूंगफली बोए तो मूंगफली का ही भाव नहीं है सब। तो फिर सरकार को भी तो ऐसा बोलना चाहिए ना साहब के भाव के, ओवर 6000 7000, अगले साल तो 6500 7000 तक बिकी थी मूंगफली, इस साल तो 3500 2500 3500 ने 3000 ने ऐसे क्या मिले, तो क्या मिल रहा है सब। क्या नाम आपका? गरू सिंह। क्या हुआ सर? हम मूंगफली लेकर आए हैं और मूंगफली सुबह में तो अच्छा भाव लगा है इन्होंने, 52 तक गई, और अभी लास्ट में जाते जाते इन्होंने 4000 4100 4000 4100 के बहुत से ढेर नीलाम किए, तो ये किसान के साथ में धोखा है। ये किसान के साथ में धोखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कमी सरकार की, इस कमी का सुधार करना चाहिए, ताकि किसान बेचारा भूखा प्यासा आता है यहाँ पे मंडी में पड़ा रहता है, फिर भी किसान को उसके माल का भाव नहीं मिलता। क्या कहते हैं व्यापारी? इसमें तो मिट्टी है, गारा है। अब जबकि मैं देख रहा हूँ, ये आप भी देख लो इन माल को, अगर मिट्टी हो ना वो माल अगर 4100 बिक रहा है तो बड़ी शर्म की बात। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ साफ माल है, एकदम साफ माल 4100 बिक रहा है, तो ये शर्म की बात है।
तो इसलिए किसान ने सोयाबीन बोने की बजाय पैदावार कम होने की बजाय मूंगफली बाई की चलो यार अपन को मूंगफली का भाव मिलेगा, लेकिन मूंगफली का भाव भी व्यापारी लोग ऐसा कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और किसान को अच्छा भाव दिलाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है सरकार से, ताकि किसान को कुछ फायदा हो। क्या नाम आपका? सत्यनारायण रेवारी। क्या हुआ? मूंगफली लेके आए थे हम यहाँ पे, तो कम से कम 5,000 से 6,000 का रेट चल रहा है और इन्होंने खाली 2700 रुपए का भाव लगाया है, तो 2700 रुपए हम प्रति क्विंटल से देंगे तो हमको कैसे घाटा हो जाएगा। और कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर से आए हम यहाँ पे, किसानों को पहले ही घाटा हो रहा है, इसमें क्या फायदा हमको बेच के? फिर बेची नहीं, कहीं कहीं किसानों को 3,000 के आसपास 2100 मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा मिट्टी है, कम से कम 10 किलो 15 किलो 20 किलो तक मिट्टी है इन मालों में, इस कारण से वो बाजार कम है। मिट्टी निकाल के लाएंगे तो अच्छे भाव बिकेगी, आज भी 53 से 53 रुपए एक डेढ़ बिका है। अगर किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो मिट्टी साफ करके ला दे तो अच्छे भाव मिलेंगे। यहाँ से गुजरात राजस्थान और अपने एमपी में भी सभी जगह से माल जा रहा है, इसलिए क्या मूंगफली मंडी नीमच की तुलना में मंदसौर भी उसी भाव बिक रहा है। कोई बाहर का कोई फर्क नहीं है, इस वजह से कम कर दिया। नहीं, कोई कोई फर्क नहीं है, और डिमांड है अभी, आज और 4 रुपए ऊंचे है। और क्या सुनना सर? रत्नेश गर्ग।